कैबिनेट मीटिंग से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है। निश्चित रूप से इस बैठक में छत्तीसगढ़ के खुशहाली और बेहतरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। निश्चित ही हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर चलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरे देश में इस विषय को लेकर उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में दुगना उत्साह है। एक बहुप्रतीक्षित सुअवसर है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोकार्पण का कार्यक्रम है। पूरे देश में इस विषय को लेकर उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए छत्तीसगढ़ में दोगुना उत्साह लोगों के बीच में है। और अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 22 जनवरी का कार्यक्रम न केवल अयोध्या में बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में भी बहुत प्रकार के आयोजन होने वाले हैं, बहुत उत्साहजनक आयोजन होगा। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की और अब मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है। निश्चित रूप से इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, तरक्की और बेहतरी के लिए निर्णय होगा और जो निर्णय होंगे आज के इस बैठक में और बैठक के बाद आप सबको जानकारी दी जाएगी। ये सही है कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। सरकार का अभी अभी गठन हुआ है, मंत्रियों को विभागों का आवंटन हुआ है। सरकार एक एक वायदा और प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कहे हुए एक एक बात पर हमारी सरकार अमल करेगी और छत्तीसगढ़ की खुशहाली, तरक्की और बेहतरी के लिए जितने भी कठोर निर्णय लेने पड़े वो लेंगे।